नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया के बेखौफ बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप इस समय हम यहाँ पर इंदौर प्रेस क्लब में हैं। पूरा देश खौफ में है कोरोना वायरस के, कोविड-19 के, और ऐसे में जो टीम है काम कर रही है फील्ड में, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, और ऐसे में जो मीडिया जो फील्ड में काम कर रही है, डॉक्टर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, क्योंकि वो इन्फेक्टेड ना हो जाएं, ये लोग कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इनके प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन मॉडर्न होम्योपैथी में जो आर्सेनिक एल्बम 30 और इन्फ्लुएंजा 30 के साथ में और भी कई ऐसी दवाइयों का मिश्रण बना करके एक एंटीडोज इंदौर शहर के आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने ये तैयार किया है, और ये तैयार करने के साथ वो निशुल्क 25,000 लोगों को इसको बांटने का उन्होंने निश्चय किया है। अभी तक कम से कम 16-17 हज़ार लोगों को वो बांट चुके हैं, और यहाँ इंदौर प्रेस क्लब में इस समय आए हुए हैं, और इंदौर के पत्रकार साथियों को ये यहाँ पर विशेष रूप से निशुल्क होम्योपैथी की, जो मॉडर्न होम्योपैथी के जो एंटीडोज कोरोना वायरस के लिए तैयार किया गया है, वो यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। डॉक्टर, आइए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या जानकारी इस कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस के बारे में दे रहे हैं, और क्या ये एंटीडोज है इसके बारे में पत्रकार साथियों को बता रहे हैं। आइए जानते हैं हम, और मिलते हैं साथियों से भी, डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। भाइयों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि जो महामारी के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो पूरी दुनिया जिस तरीके से तैयारी कर रही है, हम लोग जो सबसे ज़्यादा रिस्क में जो उनमें खड़े रहते हैं, आप मीडिया वाले, हम डॉक्टर्स, या जो भी लोग समाज में इस महामारी से लड़ने के लिए जो सेवा दे पा रहे हैं, उनको भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने के लिए जो भी हमको अभी आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनको हमको पालन करना है। और उसी कड़ी में एक हमने मॉडर्न होम्योपैथी की एक प्रिवेंटिव के रूप में आपको एक डोज बनाया है, जिससे हमने कुछ दवाइयों का मिश्रण बनाकर ये कोशिश की है कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी में कुछ पहले से जो जीनस एपिडेमिकस या प्रिवेंटिव मेडिसिन बताई गई है, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन हमने इस तरीके से तैयार किए हैं कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से गंभीर इन्फेक्शन से अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को अपन बढ़ा सके। देखिए, तरीका यही है कि कुछ भी करके हमें अपना ताकत बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और यही बचाव ही इलाज है। इस समय बचाव ही इलाज है, इसलिए बचाव के लिए जैसे हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, कोई तुलसी जल पीता है, कोई अदरक ले रहा है, कोई अपने घर में हल्दी का कॉम्बिनेशन ले रहा है, कोई अपना योग के तरीके से ले रहा है, कोई नेति क्रिया कर रहा है, तो जिसको जो जो तरीका पता है सब अपने अपने तरीके से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। उसी बचाव की एक कड़ी में हमारी ओर से एक प्रयास है कि इंदौर शहर में या जितने आसपास के एरिया हैं, जो सोशल ग्रुप हैं आप लोगों के थ्रू या जो भी माध्यम हमारे बन सके, 25,000 लोगों को ये मॉडर्न होम्योपैथी की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हमने बनाई है, इसका डोज वितरित किया जा सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कमर्शलाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेवा है जो कि मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि डॉक्टर भी समाज का ही पार्ट है, और हमको भी आपके बीच में ही खड़ा रहना है, और कहीं ना कहीं अपने को जनता की सेवा भी करने का मौका मिल रहा है, और एक माध्यम है कि लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करीब 14,000 से 14,500 लोगों को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आप लोगों ने मीडिया में लगभग सब कवर किया ही है, अभी 2-3 दिन पहले के हमारे जितने भी माध्यम थे, उसके बाद अभी करीब 4,000 लोगों को और दिया जा चुका है, और अभी नियर जो अपने आगे 2-4-5 दिन में लक्ष्य है कि पूरे 25,000 लोगों को अपन दे सकें, और अगर मुझे स्टॉक और अवेलेबल होता जाए तो हो सकता है अपन और भी लोगों को अगर कभी की स्थिति में आ पाएंगे, क्योंकि अभी सभी जगह से दवाइयाँ आ नहीं पा रही है, कुछ हमारे पास भी लिमिटेशंस है, इसलिए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन के कारण प्रारंभिक स्तर पर हमने 25,000 लोगों को, जिसमें खास करके शहर के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो अभी सबसे ज़्यादा जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको हमें पूरी तरीके से ये इस डोज को पहुँचाना है। AICTL के लोग हैं, या आपको ऐसा कोई भी विभाग लगता है जो अभी इस वक्त वर्किंग है, पूरी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये डोज हम पहुंचा सके। इस एक डिब्बी में हमने करीब 6 से 7 लोगों का प्रिवेंटिव बना रखा है, अगर आप दो बार में लेना चाहें तो 10-10 गोली दिन में दो बार, या फिर 10 मिनट के अंतराल में भी अपन दो बार ले सकते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं अगर एक बार में लेना है, तो आप इसकी 15 गोली एक बार में लेकर अपना बचाव के लिए एक ऑप्शन लिया जा सकता है।
तो पूरी उम्मीद है दोस्तों ये सामाजिक कार्य है। कितनी बार डोज देना है हमें, हमारा जो टारगेट है इसका 2 बार देने का है, 10-10 गोली अपन 2 बार भी लेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ा के चले। कितनी देर के अंतराल से? 10 मिनट के अंदर से लिया जा सकता है और फैमिली के लोगों को भी दे सकते हैं। अगर अभी इंदौर में जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कम से कम 1 दिन लेना पड़ेगा और अगर बहुत ज्यादा अगर कभी भयावह स्थिति आती है तो हमें 3 दिन भी लेना पड़ सकता है। इसका असर कम से कम हमारा विश्वास है कि कम से कम अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, कम से कम महीना भर का हमारा जो विश्वास है कि ये स्पेस से हम निकाल। डॉक्टर साहब इसको लेते समय कोई परहेज भी है? इसका कोई परहेज नहीं होता, मॉडर्न दवाई है, इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फास्ट ट्रीटमेंट का लक्ष्य है। हालांकि मॉडर्न होम्योपैथी जो कंसेप्ट है ये दुनिया में लिखा नहीं गया है, ये मैंने बनाया है इसलिए इसको नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी। ये 300 प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया है जिसमें खास करके क्रिटिकल या सर्जिकल केसेस डील किए जा सकते हैं। ऐसे इलाज जो दुनिया में लाइलाज हो, जिसका सर्जरी होने वाला है, जिसमें किसी प्रकार से उम्मीद नहीं है, लाइलाज बीमारियों के लिए क्रिटिकल और सर्जिकल, ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, किडनी फेल के लिए, ट्यूमर के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए, कोमा के पेशेंट के लिए, अस्पताल में भर्ती वाले मरीज के लिए, जब आपकी उम्मीदें खत्म हो जाती है तो वहाँ से भी स्टेज के किसी भी अवस्था में मॉडर्न होम्योपैथी को आप उपयोग में लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट की मदद कर सकते हैं। और ये विश्वास इसलिए भी है कि 2500 से ऊपर के पेशेंट का हमारे पास डेटा भी है जिसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट के आधार पर अपन मेडिकल साइंस में कहीं पर भी व्याख्या कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब साइंस का एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, इसमें पूरा व्यवस्थित एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पास उसके लिए जो मेडिकली प्रूविंग है वो आप देख सकते हैं, क्लिनिकली प्रूव्ड है ये सब डेटा। तो ये 2500 पेशेंट का जो डेटा है 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी इस वक्त वरदान से कम नहीं है। तो चूंकि ये कोविड-19 जो बीमारी है ये वैसे भी लाइलाज है, इसका अभी तक कोई प्रचलित ट्रीटमेंट नहीं आया है, वैक्सीन जब आएगा तब आएगा, लेकिन इतने समय तक हम लोग रिस्क में नहीं खड़े हो सकते, इसलिए हमें अपना बचाव ही इलाज है। इसमें इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए खुद की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पे, और मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ खुद की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए कारगर है। अपने लिए यही अच्छा हो सकता है कि हम किसी भी तरीके से, 4 लोग अगर खड़े हैं, अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो 4ों को अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब है कि सभी के रिस्पॉन्स अपने अपने बॉडी के हिसाब से आ रहे हैं, तो उसी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को अगर अपन और अच्छे से अगर कवर कर लें तो लगभग सभी लोग इससे बचाव की मुद्रा में आ सकेंगे। और महिलाएं और बच्चों को दिया जा सकता है, ये सेफ डोज है, आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं। इस दवाई का स्पेसिफिक कोई नाम है क्या? नहीं, इसमें सर ये क्या है कि एक्चुअली एक दवा नहीं है, जो आयुष मिनिस्ट्री ने हमको एक प्रोटोकॉल के थ्रू आर्सेनिक एल्बम का एक नाम दिया हुआ है, पर चूंकि ये बीमारी इतनी भयावह है कि बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स फेल हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट फेल हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अपन इसमें कुछ और दवाइयों को कॉम्बिनेशन बनाएं, तो इसमें करीब 2 से ऊपर की दवाई है, तो करीब 7-8-9 दवाई के स्तर पर बनाकर हम लोगों ने मिश्रण बनाकर एक कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें लगभग किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो या कुछ और भी गंभीर हो सकता है कि अपने को पता नहीं हो कि पूरी तरीके से किस अवस्था में हो ये वायरस का फॉर्म, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये ओवरऑल एंटीसेप्टिक है। तो एंटीसेप्टिक का मतलब यही होता है कि आपका बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा रहे और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो अपन इस बीमारी से फाइट कर पाएंगे। और सबसे अंत में एक जो मुख्य मुद्दा यह है कि इस जो मेरा अभियान है 25,000 लोगों को देने का मुख्य उद्देश्य है, हमने PMO को भी इसमें मैसेज किया है, यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को भी हमने कोशिश की है कि बताएं, इस समय पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, कोई इलाज तो है नहीं, तो प्रिवेंशन तो करना ही है, पर अगर वाकई इलाज में इस समय हमें ये देखना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फॉर्म में भी हम दवाई दे सकते हैं, अगर वाकई अस्पताल में पेशेंट एडमिट है और हम उनकी जान नहीं बचा पा रहे किसी कारण से, तो कोशिश ये करना चाहिए कि इस वक्त एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी को ये मुद्दों को हटाकर समाज के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट बनाया जाए जिसमें किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए किसी भी स्तर से जो जो दवाइयों का उपयोग हो सके उसको दिया जाए। तो अगर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को उस स्तर पर दिया जा सकता है, ये विश्वास है हमारा, इससे बहुत लोगों की मदद मिल पाएगी, इवन जो एडमिटेड पेशेंट है उनको भी हम ट्रीटमेंट के लिए इसको उपयोग में दिया जाए तो उनको मदद मिलेगी। जो काम अभी हम ऊपर से कर रहे हैं कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो अंदर से मिलकर रिस्पॉन्स बढ़ा दें, तो इसके लिए दवाइयाँ बहुत सक्षम है। और काफी सारी दवाई के बारे में गूगल वगैरह पर कुछ जानकारी है क्या? मेरे कुछ 2 मैंने लिंक दिए हैं, आप उसमें उनके बारे में व्याख्या मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये आप लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर्स और जो मीडिया इस समय के शोल्डर से कम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो देश हित में फौजी वहाँ लड़ रहे हैं, आज हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज के लिए हमको मिलकर काम करना है। छोटे बच्चों को सर ये पहले डोज से इफेक्ट चलता है सर? छोटे बच्चों को 10 साल सर, अगर 5 साल से कम उम्र है तो 5 गोली देना है, और 5 साल से ऊपर है तो पूरे 10 गोली। ये कार्ड और ये सब 10-10 गोली 2 बार में देंगे एक घर में। हाँ, एक मीटर की दूरी सब मतलब ये बनवा लेते हैं। कुछ जल पी रहा है,
दोस्तों इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष दीपक करदम जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और ये लॉजिकल इंडिया और बेखौफ बुलेटिन का संयुक्त प्रयास रहा है। लॉजिकल इंडिया बेखौफ बुलेटिन और आरोग्य मेडिकल ये लॉजिकल इंडिया बेखौफ बुलेटिन और आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी का संयुक्त प्रयास है कि हम लोग ये शहर भर में इस तरह के जो समाज सेवा का काम है, जो एंटी डोज है, प्रिवेंटिव ड्रग्स है मॉडर्न होम्योपैथी के, वो हम बांट रहे हैं। इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष दीपक करदम जी हमारे साथ हैं। आज पत्रकार साथियों को ये दवाइयाँ दिलवाई हैं उन्होंने, विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे सर इस कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में और इन दवाइयों के बारे में? देखिए, कोरोना वायरस जब से हुआ हमको देखने को मिल रहा है, शासन प्रशासन और देश नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोगों को घरों में रहने का आग्रह किया है, तो हम देख रहे हैं कि लोग तो घरों में हो रहे हैं लेकिन मीडियाकर्मी हमारे कोरोना वायरस के कवरेज करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उसको लेकर इंदौर प्रेस क्लब कहीं ना कहीं पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। हमारी इंदौर प्रेस क्लब टीम और अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी ने डॉक्टर अर्पित चौबा जी से संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि इस तरह की दवाई जो हमारे होम्योपैथिक में है कि उसको खाने से कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और कोरोना से बचा जा सकता है। उसके बाद तुरंत इंदौर प्रेस क्लब में ये दवाइयों का वितरण आप सभी के सहयोग से हुआ है और करीब 100 से अधिक पत्रकारों को दवाई दी गई है। निश्चित तौर पर हम इस बीमारी के लिए आगे भी आपके संपर्क में रहकर ये दवाइयाँ और अधिक से अधिक वितरण कराएंगे कि कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हो। पत्रकारों के परिवारों के लिए भी यहाँ पर दवाइयों का वितरण किया है, और क्या स्थिति है अभी इस समय इंदौर शहर में, थोड़ा सा जानकारी आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को भी कोरोना की क्या स्थिति है, क्या प्रशासनिक तैयारियाँ हैं? देखिए, कोरोना में जिस तरह से कल ही हमने देखा था कि 200 से अधिक लोगों का चेकअप हुआ था, 10 से अधिक मरीज पॉजिटिव हुए थे, उज्जैन में मौत हुई है, इंदौर में हुई है, प्रशासन अपना काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर प्रेस क्लब या सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा और लोगों से अपील करनी होगी कि कहीं ना कहीं घर पर रहें। जिस तरह से वायरस फैल रहा है तो उससे सुरक्षित अपने आप को घर में रहकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो दोस्तों, आपसे भी यही उम्मीद है कि आप लोग घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को सैनिटाइज करते रहेंगे। साथ ही अगर ऐसा कुछ आपको लगता है, आशंका है कि कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो ये जो एंटीडोज है, प्रिवेंशन ड्रग्स हैं मॉडर्न होम्योपैथी की, ये आप ले सकते हैं। दिन में 15 गोली एक बार या 10 गोली दो बार लेकर के आप अपना प्रिवेंशन कोरोना वायरस से कर सकते हैं। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से, क्या वो जानकारी और लोगों की जान बचाने में मदद दी जा सके, ताकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने जिसमें सभी सिस्टम मिलकर, मेडिकल साइंस के मिलकर सभी एक होकर इस भयावह महामारी से लड़ने में अपना योगदान दे सके। इसको अभी जो हमने इनिशियल फॉर्म में अगर आप एक बार लेते हैं तो 15 गोली का एक डोज लेना है, अगर आप दो बार लेना चाहें तो 10 गोली कर आपको दो बार लेना पड़ेगा और एक दिन तक मिनिमम लेना है। अगर फिर भी बहुत ज्यादा अगर स्थिति भयावह हो जाती है किसी शहर में तो वहां पर 3 दिन लेने की व्यवस्था। अच्छा, मान लीजिए एक बार हमने ये कितने समय तक चालू रहेगा? मतलब जिस तरीके से होम्योपैथी का जो प्रिवेंटिव जो फेस होता है एथिनस एपिडेमस के तौर पर, वो करीब 1 महीने के आसपास का प्रिवेंशन देता है। और जिसकी जैसी जैसी इम्यूनिटी होती है, सबका अपना अपना शरीर है तो कहीं ना कहीं सबकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इसके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा हम लोगों का जो विश्वास है 1 महीने के आसपास का हमें ट्रीटमेंट का प्रिकॉशन देता है। और ये जितनी दवाइयाँ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जा रही है, 25,000 लोगों का टारगेट है, ऑलरेडी 14,500 लोगों को हम लोग आज तक बांट चुके हैं और ये पूरा निःशुल्क व्यवस्था है। इसमें कोई बिजनेस और कोई कमर्शलाइजेशन नहीं करना है, लोगों की मदद करनी है। डॉक्टर भी सोसाइटी का ही पार्ट है, मैं भी आपके बीच का ही इंसान हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शहर को और इस व्यवस्था को संभालने में हमारी ओर से भी जो भी बेस्ट योगदान हम दे सके हम इसको देने की कोशिश करें। और जिसको भी आप लोगों को लगता है कि ये फ्री निःशुल्क चिकित्सा के फ्री निःशुल्क जो दवा हम बांट सकें, तो जंजीर वाला चौराहे में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीर वाला चौराहे में क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने है, आप यहाँ पर आकर पहली मंजिल पर कृष्णा टावर में लेकर इन दवाइयों को किसी को भी बटवा सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एंड चीफ कंसल्टेंट, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। दोस्तों, इस समय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने कई सारी इस तरह की क्रिटिकल जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन पर इस मॉडर्न होम्योपैथी से जीत हासिल की है, वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ इंदौर प्रेस क्लब में कोरोना वायरस से जो लड़ने के लिए एंटीडोज उन्होंने तैयार किया है उसके
इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने अभी वितरित किया, हम जानते हैं उनसे बहुत संक्षेप में क्या है सर ये आपका ये एंटीडोज और ये आज कार्यक्रम क्या था। आज हमने जो कार्यक्रम रखा था वो बेसिकली इस पर्पज पे था कि जो हमारे मीडिया के भाई जो कि आज पूरे इंदौर को कवर कर रहे हैं लगभग इस पूरे इस भयावह महामारी से लड़ने के लिए सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अपनी ओर से सर्वोच्च स्तर पर जाकर अपना व्याख्या दे सकें और समाज में सही न्यूज़ और सही तरीके से लोगों को अपनी जानकारी पहुंचा सकें, तो उनके रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमने विचार किया कि हम जिस तरीके से हमने पुलिस डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में, नगर निगम में और जो ISBT और ऐसे काफ़ी AICTL और कई गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी हमने ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की है, करीब 25,000 लोगों का ये डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है और ख़ास करके उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी फील्ड में खड़े हैं, जो घर से बाहर रोकर किसी भी प्रकार से सेवा दे पा रहे हैं, तो उनको देने के लिए हमने एक कार्यक्रम इस तरीके से प्लान किया था कि हम सभी को ये मॉडर्न होम्योपैथी की जो सुपर स्पेशलिटी हमने जो दवाई बनाई है एक तरीके से 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जिसको हमने एक इस प्रकार से प्रिपेयर किया है कि जीनस एपिडेमिकस एक कंसेप्ट है होम्योपैथी में जिसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का बचाव को हमने ग्रुप के तौर पर यूज़ किया और इस ग्रुप से हमें विश्वास है कि किसी एक दवा का उपयोग ना करके हम सभी प्रकार की बीमारियों के बचाव के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लें जो एंटीसेप्टिक के रूप में लगभग आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ा दे। तो इसका मुख्य कंसेप्ट यह है कि आप किसी भी शरीर का इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ा सकें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और कहीं ना कहीं इसका उपयोग आप अपने कोरोना से बचाव के लिए उपयोग में लें जिस प्रकार से सभी लोग अपने अपने तरीके से बचाव ले रहे हैं। ये हमारा प्रयास है कि इससे भी आप अपनी इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ा पाएंगे और इस भयावह महामारी से लड़ने में अपने शरीर का बॉडी रिस्पांस बढ़ाकर लोगों की खुद भी मदद कीजिए और अपने लिए भी लीजिए, अपने परिवार को दीजिए। और लगभग अगर 25,000 लोगों का हमने टारगेट किया, अगर आपको लगता है कि किसी को भी इस दवाई का लाभ दिया जा सकता है तो मेरी क्लिनिक पर आकर जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक यहाँ पर यहाँ से व्यवस्था ले लें कि आप कलेक्ट करवा लें या फिर आप किसी भी माध्यम से सोशल ग्रुप के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार से व्यवस्था हो सके किसी मीडिया के भाई से या किसी भी माध्यम से आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो दवाइयाँ हैं एंटीडोज जो हैं ये कितने दिन तक प्रिवेंट कर सकता है कोरोना वायरस से, कितने दिन बाद इस डोज को रिपीट करना है? लगभग सभी दवाइयों का एक एक्शन जो टाइम है हम मान के चल रहे हैं कम से कम ग्रुप का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया गया है कि एक महीने तक का प्रिवेंशन हम इससे दे पाएं। और जिस तरीके की ये स्थिति चल रही है अगर हम किसी 4 पेशेंट को या 4 इंसान को अलग अलग तरीके से ये दवाई जब ये खाते हैं तो सबका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अपने अपने तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये तो तय है कि इसमें हमें 2 बार देना है, 10-10 गोली 2 बार देना है और एक दिन तक मिनिमम देना है। अगर स्थिति थोड़ा और ख़राब होती है तो हमें 3 दिन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और एक महीने भी अगर ये प्रिवेंशन हो जाता है तो कम से कम हमारा यहाँ जो स्टेज 3 में जाने वाला जो डेंजरस जो टाइम है, जो कम्युनिटी हेल्थ में फैलने का जो डर है, उसको हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जो कि हमें कोरोना से बेखौफ करने के लिए एंटीडोज बनाए हुए हैं और यहाँ पर सभी लोगों को सामाजिक संगठनों को वो दे रहे हैं। आप भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अगर बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो किसी भी तरह से ये जो प्रिवेंटिव ड्रग्स मॉडर्न होम्योपैथी में तैयार की गई हैं इनका आप एक डोज ले सकते हैं। संपर्क करने के लिए, डोज लेने के लिए आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, निःशुल्क आप इसको पा सकते हैं, डॉक्टर साहब के क्लिनिक से पा सकते हैं या उन्हें मैसेज करके भी ले सकते हैं। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घरों में सुरक्षित रहें। टेक केयर, देखते रहें लॉजिकल इंडिया, बेखौफ बुलेटिन। नमस्ते।